ऑलराइट सो हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स सुरेज बैक टू अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज हम लोग आए हैं बनारस। बनारस में हम लोग लखनऊ से बैठे थे लगभग वही 11:55 पे और यहाँ पहुँचा दिया था 5:30 बजे तक। तो धीरे धीरे आते गए और ये और नहाया, अभी नहा के आए हैं। पानी ठंडा था और यहाँ बनारस की तो मतलब अलग ही एक एनर्जी है। यहाँ पे आएंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा, वो हम क्या ही बताएं उसमें, मतलब बता तो रही हैं और मतलब एक एनर्जी अलग ही, एक आपको एक अलग ही वाइब आएगी सुबह। और इतने लोग और यहाँ पे टोटल 84 घाट हैं, मतलब भाई 84 घाट अगर घूमेंगे तो पूरा का पूरा एक दिन लग जाएगा। तो जो क्रूज़ जो मतलब यहाँ पे चलती थी तो उसकी बुकिंग लगभग 10 दिन पहले ही से, मतलब 10-12 दिन पहले ही से बुकिंग होती है। तो बुकिंग तो हो नहीं पाए, देखिए बोट से अब जाएंगे। अभी तो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, अगर मोबाइल अंदर अलाउ होगा तो ले जाएंगे, वरना नहीं तो बताएंगे वहाँ क्या था और क्या नहीं। बाकी भाई बनारस की वाइब ही अलग है भाई, और जो आकृति बनी हुई है भाई यहाँ पे, ये गंगा द्वार है और यहाँ से कॉरिडोर स्टार्ट हो जाता है गंगा द्वार से। थोड़ा ही सा आगे आएंगे तो गंगा दर्शन मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे लॉकर वॉकर चाहिए हो तो यहाँ पे फ्री सुविधा है और आप यहाँ पे मोबाइल ये मतलब इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री लॉकर फैसिलिटी। बाकी ये लिखा है ओनली मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पेन, ये सब लॉकर मतलब यही सब रखे जाएंगे। बाकी आप यहाँ पे आके भाई देख सकते हैं, बाकी ये लॉकर है यहाँ पे सामने। यहाँ पर सारे ज्योतिर्लिंगों के नाम लिखे हैं, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम। हम लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं, पर वही कहा था शुरुआत में मोबाइल नहीं ले जाने दिया था। और मंदिर जो काशी विश्वनाथ का मंदिर था तो वहाँ पे हमने पहली बार इतना सोना देखा, जो मतलब मंदिर में लगा हुआ था तो पहली बार इतना सोना देखा। बाकी बड़े बड़े मंदिर उसमें इससे भी ज़्यादा सोना लगा हुआ है, तो हमने तो पहली बार देखा इतना सोना लगा हुआ था मंदिर में। और मंदिर में गए, काफ़ी शांति थी और भीड़ भी बहुत थी दर्शन करने को, मतलब जल्दी जल्दी दे रहे थे। और बस बाकी यही सब है। बाकी हम लोग अभी बनारस की गलियों में घूम रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है और क्या नहीं। बाकी अच्छा तो लग रहा, जब दूसरे शहर में आए तो भाई अच्छा ही लगता है, किसको नहीं अच्छा लगेगा भाई। और भूख लगी है भाई, देखे कुछ मिलता है तो खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो चाय सही काम चलाएंगे भाई। हैं हंसी देखिए, ये कॉरिडोर थे वहाँ की। एक बात सबसे अच्छी है, जो ज्योतिर्लिंग है 12, तो वहाँ पे सबके नाम लिखे हुए थे 12 के 12। और हम मतलब मेरे टोटल 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं, बाकी 9 बचे। अब देखिए भगवान की कृपा रही तो वो भी हो जाएगा। मतलब जितने भी ज्योतिर्लिंग थे तो उसमें सबके नाम और मतलब सब लिखा हुआ था, तो कॉरिडोर भी अच्छा बना हुआ था वहाँ का। बस भाई यही सब है। अब देखिए खाने की तलाश में जा रहे हैं, अब देखिए कहाँ
मिलता है। बाकी बनारस की जो गली है उसमें लखनऊ वाला फील तो आ ही रहा है भाई। और मतलब यहाँ पे आएंगे तो अलग ही वाइब लगती है भाई। और अभी घाट पे जा रहे भाई, देखिए। बाकी ये सब दुकानें यहाँ बनी हुई है। बस भाई कुछ खाने को मिल जाए, भूख बहुत तेज लगी भाई, बहुत ही तेज लगी भाई। पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। हम लोग एक नंबर गेट से गए हुए थे। अगर भाई आप बनारस आएँ मतलब वाराणसी, तो अन्नपूर्णा प्रसाद ज़रूर खाएँ, क्योंकि भाई प्रसाद अच्छा ही मतलब ग्रहण ही करना चाहिए, और अच्छा भी था प्रसाद। और ऊपर से मतलब लड्डू था, पापड़ था, चावल था, और सांभर था, और दो सब्जी और थी, बाकी वो एक पत्ते में दे रहे थे भाई। ये बहुत अच्छी बात थी भाई, हमने पत्ते में भाई पहली बार ही खाया है, मतलब पत्ते में दे रहे थे तो भाई काफ़ी भाई मतलब अच्छा ही था। और पत्ते में भाई हमने पहली बार ही खाया है, मतलब जब भी अगर यहाँ पे आए तो अन्नपूर्णा प्रसाद भाई ज़रूर खाएं, ज़रूर से ज़रूर खाएं भाई। चलिए मिलते हैं आगे। भाई BHU लगभग देखिए मैप में इतनी बड़ी लग रही है, तो वाकई में कितनी बड़ी होगी भाई जब मैप में इतनी बड़ी लग रही है। ऑलराइट, सो गाइस हम लोग अभी BHU में हैं, मतलब BHU में जितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं ऑल इन वन, मतलब जितनी पढ़ाई की सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि साइंस, आर्ट, मतलब ऑल इन वन चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी BHU में। तो भाई ये इतना बड़ा है, मतलब इतना बड़ा कॉलेज कह लीजिए चाहे कुछ कह लीजिए। और यहाँ पे मतलब भाई चारों तरफ पेड़ लगे हैं, ये अच्छी बात है यहाँ की, मतलब इन्वायरमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा है। और यहाँ पे भी काशी विश्वनाथ का मंदिर है। ये BHU के संस्थापक हैं। ये सब हाथ की बनी हुई है ना, सब आपने बनाई है मतलब? कहीं से भाई ये मतलब हाथ की बनाई हुई लगी नहीं रही भाई।
कितने आदमी? तीन लोग। हम लोग रविदास पार्क में टहलते टहलते आ चुके हैं और यहाँ पे जो क्रूज थी, अगर वो इधर वाल मतलब इधर होगी तो दिखाएंगे भाई। उसका टिकट शायद 900 करके कुछ है, तो शायद खड़ी हो तो दिखाएं भाई, मेरा भी मन है देखने का क्रूज का। बाकी